इस्लामिक स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में थे और उससे पहले हमने स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने ये लूप अनरोलिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था और हमने देखा था कि आपके कंपाइलर जो हैं वो किस तरह अपनी आपकी इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज करते हैं ताकि आपके जो स्टॉल्स हैं वो अवॉइड किए जा सकें और आप अपने कोड को मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स में कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी। और फिर ब्रांच प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, तो आज जो है हम स्टैटिक स्केड्यूलिंग हम पढ़ चुके हैं और आज हम जो है वो डायनामिक स्केड्यूलिंग को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप मुझे बता दें, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और आज के लेक्चर में भी आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगेन स्टैटिक स्केड्यूलिंग में भी हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर किया था, डायनामिक स्केड्यूलिंग में भी हम यही करते हैं, लेकिन डायनामिक स्केड्यूलिंग में बेसिकली ये जो स्केड्यूलिंग है ये आपकी हार्डवेयर में होती है, ना कि आपकी कंपाइलर करता है। ठीक है जी। तो रीअरेंज ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्टॉल्स व्हाइल मेंटेनिंग डेटा फ्लो एंड एक्सेप्शन बिहेवियर। एडवांटेजेस क्या है जी हार्डवेयर में? कंपाइलर डजंट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ माइक्रो आर्किटेक्चर्स। ठीक है जी। आप लोग जानते हैं जो कंपाइलर्स हैं वो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर स्केड्यूलिंग करनी है तो कंपाइलर जो है वो आप सॉफ्टवेयर में नहीं करें बल्कि हार्डवेयर में करें, तो कंपाइलर जो है वो आप उसे हार्डवेयर इंडिपेंडेंट किसी हद तक बना सकते हैं। ठीक है जी। ताकि वो लिमिटेड स्केड्यूलिंग कर दे, बाकी स्केड्यूलिंग जो है वो आप हार्डवेयर में कर लें। ठीक है, रन टाइम में। और हैंडल केसेस वेयर डिपेंडेंसीज आर अननोन एट कंपाइल टाइम। अब ये भी हो सकता है जो कंपाइलर जो है वो अपना एनालिसिस तो करता है लेकिन वो कुछ डिपेंडेंसीज जो है वो मिस कर जाए, हर डिपेंडेंसीज को उससे ना पता चले कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं, तो हार्डवेयर जो है वो इन डिपेंडेंसीज को हैंडल कर लेगा। ठीक है जी। और इट अलाउज द प्रोसेसर टू टॉलरेट अनप्रिडिक्टेबल डिलेज। ठीक है जी। जब प्रोसेसर स्टॉल होता है और आपकी अगर प्रिडिक्शन जो है वो रॉन्ग हो गई है तो आपका आप नहीं जानते आपका जो डिले है, जो स्टॉल्स हैं वो कितने लंबे हैं। ठीक है। तो जो डायनामिक स्केड्यूलिंग है इसमें भी आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है उसको करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज करेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करेंगे, तो आपके जो है वो जो डिलेज जो हैं वो आपके रिड्यूस हो सकते हैं ड्यू टू स्टॉल्स। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है, इसका मेन एक ही डिसएडवांटेज है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी। हार्डवेयर में स्केड्यूलिंग करने के लिए आपको हार्डवेयर में कम्प्लेक्सिटीज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो मेन आइडिया आपका डायनामिक स्केड्यूलिंग में ये है कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू करनी है, लेकिन आप उसको आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन उसकी आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल ही हमने स्टैटिक स्केड्यूलिंग में भी यही किया था कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपका कोड था उसको आपने रीअरेंज किया था और फिर रीअरेंज करके आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की थी। तो यहाँ पे भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं हार्डवेयर में इशू तो सीक्वेंस से होंगी, इन ऑर्डर होंगी, लेकिन जो आपकी एग्जीक्यूशन है कोड की, प्रोग्राम की, हार्डवेयर में वो आउट ऑफ ऑर्डर होगी। इम्प्लाइज आप अपने प्रोग्राम को आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें आप लोग देख सकते हैं आप डिवीजन हो रही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ये जो डिवीजन का रिजल्ट है ये आपका एफ एडिशन, एडिशन जो है वो आपकी इस डिवीजन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है। यहाँ जब तक ये एफ नॉट जो है वो राइट नहीं होगा तो आपका एफ नॉट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा एडिशन के लिए। ठीक है जी। तो एफ सब जो है, जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, इंस्ट्रक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अब प्रॉब्लम ये, हम ये तो कर सकते हैं, अगर हम स्केड्यूलिंग नहीं यूज करें तो हम जो सब की इंस्ट्रक्शन है वो आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अनलेस कि एफ एडिशन की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो, और एफ एडिशन जो है वो एफ डिवीजन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और इस वजह से पाइपलाइन जो, ये जो डिवीजन है ये कैलकुलेशन कर रही है और एफ एडिशन की वजह से आपको पाइपलाइन को स्टॉल करना पड़ जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस लिमिटेशन होती हैं। और अगेन आप यही कर सकते हैं जैसे हमने स्टैटिक स्केड्यूलिंग में किया था कि ये एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पहले एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है जी। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि एफ सब्ट्रैक्शन जो है वो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जो स्टॉल्स के बबल्स हैं उस ड्यूरेशन में आप ये सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हार्डवेयर में। ठीक है। तो देखते हैं जी हम हार्डवेयर, क्योंकि हम डायनामिक स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, डायनामिक स्केड्यूलिंग हार्डवेयर में हो रही है, तो देखते हैं हार्डवेयर में क्या। ये एक पाइपलाइन है, आप लोगों ने ये अपेंडिक्स सी में डायग्राम देखी थी। ठीक है जी। तो ये आपके इंटीजर यूनिट्स थे, सिंगल क्लॉक साइकिल्स ले रहे थे, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन
यूनिट्स हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साइकिल्स ले रहे हैं, ठीक है। एडिशन जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये 4 साइकिल्स ले रहे हैं, और डिवीजन जो थी आई गेस 24 साइकिल्स जो थे उसको रिक्वायर्ड थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवीजन है और इसने 25 साइकिल्स कंज्यूम करने हैं, और इस 24 साइकिल्स कंज्यूम करने हैं, 24 साइकिल्स के लिए ये एडिशन जो है वो स्टॉल रहेगा, ठीक है। तो अब ये स्टॉल रहेगा तो अगेन अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर स्केजलिंग यूज़ नहीं कर रहे तो सब्ट्रैक्शन भी वेट करती रहेगी। तो हो क्या रहा है, ये आपने पहले इंस्ट्रक्शन इशू की, इंस्ट्रक्शन फेच, आपने डिवीजन की इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, डिकोड कर दिया, इट इज़ डिवीजन, और आपने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया D1, D2, D3 अप टू D24, और इस दौरान जो है आपका एडिशन स्टॉल हो गई और जो सब्ट्रैक्शन है वो भी स्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, आप जब डिकोड कर रहे होते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी, तो यहाँ पे एडिशन है लेकिन एडिशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है वो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रही है। तो ये आपकी स्टॉल हुई, और इसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया और यहाँ पे आपकी ये इंस्ट्रक्शन भी स्टॉल हो जाएगी क्योंकि एडिशन जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशंस हैं, अगेन आप ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो है यहाँ पे आपकी 4 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे जब 4 साइकिल्स ले रहे हैं तो यहाँ पे भी साइकिल 3 साइकिल्स सब्ट्रैक्शन के लिए स्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपके 23 साइकिल्स जाया गए हैं और यहाँ पे आपके 3 साइकिल्स जाया गए हैं, ठीक है। तो ये आप सिंपल 3 इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सा कोड है, लेकिन आपके यहाँ पे 23 साइकिल्स जाया जा रहे हैं और यहाँ पे आपके 3 साइकिल्स जाया जा रहे हैं। तो डायनामिक स्केजलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करें, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हार्डवेयर में जो पाइपलाइन है इसमें हार्डवेयर में आपकी सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और एडिशन जो है वो बाद में हो रही है, ठीक है। तो आप गौर कर सकते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह आपने इंस्ट्रक्शन फेच की, डिवीजन की, डिवीजन एग्जीक्यूशन स्टार्ट की D1 to D24, इस दौरान जो है एडिशन जो है वो स्टॉल हो गया, ठीक है। और इसे स्टॉल करना भी पड़ेगा हमें, उसकी रीज़न ये है कि एफ नॉट जो है वो डिवीजन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, यानी एफ नॉट हमें डिवीजन के रिजल्ट से मिलेगा, तब तक हम इस एडिशन को कर नहीं सकते, तो हमें इसे स्टॉल करना ही करना है। तो हम कर ये रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को जब जाए हमने इसके यहाँ पे इसको स्टॉल किया था, हम इसे आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है ये A1, A2, A3, A4 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और जब ये कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद आपका जो है वो एडिशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। तो आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर के अंदर सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट होगी जो बेसिकली 3rd इंस्ट्रक्शन थी, और एडिशन जो है उसके बाद हो रही है, ठीक है जी। तो ये हार्डवेयर में आप अपने इंस्ट्रक्शन को आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके जी, ये एक और एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन हो रही है, सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन में पहले की तरह जो है एफ नॉट जो है वो आपके डिवीजन के रिजल्ट पर डिपेंडेंट है, और जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है ये इस पर भी आपका जो है वैल्यू है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तीनों में एफ नॉट यूज हुआ है, ठीक है। तो में आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में जो है वो एंटी डिपेंडेंस है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये एफ नॉट जो है वो रीड होना है, और यहाँ पे जो है आपका एफ नॉट राइट होना है। तो राइट आफ्टर रीड हैजर्ड बेसिकली जो है वो अगर हो सकती है, अगर आप इसको फॉलो ना करें, पहले आप इससे पहले राइट कर दें तो एंटी डिपेंडेंस है। यहाँ पे आप लोगों ने इसे कॉन्सेप्ट पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए, और अगर आप यहाँ पे गौर करें एफ नॉट, दिस इज़ एफ नॉट, इसको भी राइट होना है, और यहाँ पे एडिशन में भी एफ नॉट को राइट होना है। तो ये बेसिकली राइट आफ्टर राइट हैजर्ड अगर हो सकती है, अगर आप इस सीक्वेंस को मेनटेन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आउटपुट डिपेंडेंस जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में और 3rd इंस्ट्रक्शन में आउटपुट डिपेंडेंस है, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एंटी डिपेंडेंस है, और फर्स्ट डिवीजन और एडिशन में आउटपुट डिपेंडेंस है। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि एंटी डिपेंडेंस और आउटपुट डिपेंडेंस जो है टू डिपेंडेंस नहीं होती, राइट। सिर्फ रॉ हैजर्ड जो है वो टू डिपेंडेंस है। और नंबर टू, आपने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में देखा था कि आप इन एंटी डिपेंडेंस और आउटपुट डिपेंडेंस को रजिस्टर रीनेमिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप रजिस्टर रीनेमिंग यूज़ कर लें तो ये दोनों डिपेंडेंसीज जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं,
तो देखते हैं जी डायनामिक स्केड्यूलिंग में हार्डवेयर में ये हम अभी हम थोड़ी देर देखेंगे कि हम ये हार्डवेयर में कैसे हार्डवेयर में रजिस्टर रीनेमिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक स्केड्यूलिंग में तो कंपाइलर आपके रजिस्टर के रीनेम कर रहा था, तो हम यहाँ पे डायनामिक स्केड्यूलिंग में देखते हैं कि हार्डवेयर में रजिस्टर रीनेमिंग कैसे होती है। ठीक है, एक थर्ड एग्जाम्पल है, सिंपल सा कोड है, 5 इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट हर तरह की डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है जी, अगर आप गौर करें यहाँ पे F8 रीड हो रहा है जबकि यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है जी, और इसी तरह यहाँ पे भी F6 ने जो है वो रीड होना है क्योंकि स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, ये रीड होगा और जो कंटेंट्स होंगे वो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। ठीक है, ये F6 रीड हो रहा है और यहाँ पे भी F6 रीड हो रहा है, राइट हो रहा है। तो ये इस स्टोर की इंस्ट्रक्शन में और मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन में एंटी डिपेंडेंस है, इसी तरह एडिशन की इंस्ट्रक्शन में और सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन में एंटी डिपेंडेंस है। ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन और मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन, ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है F6 को राइट कर रहे हैं। यहाँ पे राइट आफ्टर राइट हैजर्ड अकर हो सकती है, तो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट डिपेंडेंस है। ठीक है, अगर आप इस डिपेंडेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो राइट आफ्टर राइट हैजर्ड अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिपेंडेंसीज हैं, जो 2 डिपेंडेंसीज नहीं है, 2 एंटी डिपेंडेंसीज हैं, 1 आउटपुट डिपेंडेंस है। ठीक है जी, इसके अलावा 3 ट्रू डिपेंडेंसीज हैं, बेसिकली रॉ हैजर्ड्स अकर हो सकती हैं। 3 ट्रू डिपेंडेंसीज हैं, नंबर 1 बिटवीन एडिशन एंड डिवीजन एंड एडिशन, राइट, डिवीजन और एडिशन में 2 डिपेंडेंस है बिकॉज एफ नॉट जो है इसका रिजल्ट, जो एडिशन में एफ नॉट यूज हो रहा है इसका रिजल्ट एफ डिवीजन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, दिस इज ट्रू डिपेंडेंस। ठीक है, दिस इज रॉ हैजर्ड, अगर आप इसको इस डिपेंडेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो रॉ हैजर्ड अकर हो जाएगी। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे इसने राइट होना है, यहाँ पे इसने रीड होना है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ हैजर्ड अकर हो सकती है अगर आप इस डिपेंडेंस को मेंटेन नहीं करेंगे। नंबर यहाँ पे F6 ने राइट होना है और यहाँ पे रीड होना है, तो अगर जब तक ये रिजल्ट F6 राइट नहीं होगा तब तक आप इसको रीड नहीं कर सकते, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू डिपेंडेंस। ठीक है, तो एक सिंपल से कोड में 6 डिपेंडेंसीज हैं, 3 क्या कहते हैं 2 आउटपुट डिपेंडेंसीज हैं, 1 आउटपुट डिपेंडेंस है, 2 एंटी डिपेंडेंसीज हैं और 3 ट्रू डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है अब तक तो इस कोड में, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, तो अब हमने नंबर 1 रजिस्टर रीनेमिंग करते हैं, और मैंने आपको स्टैटिक स्केड्यूलिंग में हम देखा था अगर रजिस्टर रीनेमिंग हम कर लें तो आपकी जो एंटी डिपेंडेंसीज और आउटपुट डिपेंडेंसीज हैं वो ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप हार्डवेयर में ये आप रीनेमिंग कर लें, इस यहाँ पर जो आपका रजिस्टर F6 था उसको आप किसी एस हार्डवेयर और उसे रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो T है, अगर आप यहाँ पे यहाँ पे जो F8 है उसको रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आपकी जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो रॉ हैजर्ड्स जो हैं वो जो आउटपुट डिपेंडेंसीज और एंटी डिपेंडेंसीज हैं वो तो ख़त्म हो गई रजिस्टर रीनेमिंग की वजह से। ये आप लोगों ने स्टैटिक स्केड्यूलिंग में देखा था, जब आप रजिस्टर रीनेमिंग करते हैं तो आपके डिपेंडेंस आउटपुट डिपेंडेंस और एंटी डिपेंडेंसीज कैसे ख़त्म होती हैं। अब आपने ये ख़त्म तो कर दी है लेकिन स्टिल इसमें 3 ट्रू डिपेंडेंसीज मौजूद हैं, इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसको करने के लिए आपको आप स्टॉल्स को अवॉइड करने के लिए आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो कर सकते हैं, वो भी हार्डवेयर में हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एडिशन डिवीजन और एडिशन में 2 डिपेंडेंस है F0 की, यहाँ पे आपकी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में आपकी ट्रू डिपेंडेंस है ये टी की। ठीक है, यहाँ पे राइट होगा तो यहाँ पे रीड होगा, इसी तरह यहाँ पे एस की यहाँ पे भी डिपेंडेंस है। ठीक है, तो 3 डिपेंडेंसीज जो रॉ हैजर्ड्स हैं आप उनको अभी तक आपने ख़त्म नहीं किया, आपने जो एंटी डिपेंडेंसीज हैं और सेकेंडली आउटपुट डिपेंडेंसीज हैं उनको ख़त्म किया रजिस्टर रीनेमिंग के थ्रू। जिसकी क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, आज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों का अभी तक। ये रजिस्टर रीनेमिंग और ये जो डायनामिक स्केड्यूलिंग है इसमें एक बहुत ही पॉपुलर
एक एल्गोरिदम यूज़ होता है, उसका नाम है तोमासुलु एल्गोरिदम। ठीक है, ये बेसिकली ये जो तोमासुलु है ये एक इसने एक ये एल्गोरिदम प्रपोज किया था, और जब इसने एल्गोरिदम प्रपोज किया था और जिस कंप्यूटर में ये वर्क कर रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ चार फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स थे। ठीक है, और आप इमेजिन करें अगर आपके पास सिंपल फोर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हों और आपने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने हो, इस तरह ये सब इंस्ट्रक्शन जो हैं फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन हैं, सब इंस्ट्रक्शन फ्लोटिंग पॉइंट हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ फोर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हों, जबकि आपको याद होगा रिस्क के अंदर 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स थे। यस राइट, 32 थे या ज़्यादा थे या कम थे? 32 थे जी, कौन बताएगा मुझे? ये तो याद होगा किसी को जनाब, कितने रजिस्टर्स थे फ्लोटिंग पॉइंट? सर 32 फ्लोटिंग पॉइंट और 32 इंटीजर। यस गुड, ठीक है जी। तो इमेजिन करें तोमासुलु जब ये वर्क कर रहे थे तो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर सिर्फ उसे फोर थे, आईबीएम का कंप्यूटर था और ये अराउंड 1965-1964 की बात है। ठीक है जी, तो और इस जब इसने एल्गोरिथम प्रपोज किया तो बेसिकली उसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बेसिकली डायनेमिक स्केजुलिंग इसने प्रपोज की और इसको एक अवार्ड भी मिला। ठीक है, और इसका एल्गोरिदम आज भी 1965-1964 के कंप्यूटर्स में इसमें वर्क, उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये एल्गोरिदम प्रपोज किया था तोमासुलु ने, और ये आज भी कोर i5 i3 i7 इनके अंदर ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 1965 का मैं आपको एल्गोरिदम पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आज भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इस बंदे को अवार्ड मिला था। ठीक है, आप इसकी तोमासुलु को सर्च कीजिएगा गूगल में और इसको थोड़ा सा पढ़िएगा इस बंदे के बारे में कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, और कैसे किया और इसके अवार्ड से किएगा और थोड़ा इस बंदे के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। ठीक है, तो देखते हैं जी मेन आइडिया क्या है। डायनेमिकली इसके डिटर्मिनिंग व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज रेडी टू एग्जीक्यूट आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, नंबर वन। नंबर टू, रजिस्टर रीनेमिंग इन हार्डवेयर, जो अभी हमने डिस्कस किया, आउटपुट डिपेंडेंस और एंटी डिपेंडेंस, इनको मिनिमाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं स्टैटिक स्केड्यूलिंग में। तो ये तोमासुलु ने ये किया, नंबर वन आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दें। नंबर टू, रजिस्टर रीनेमिंग के थ्रू जो आउटपुट डिपेंडेंसीज हैं, एंटी डिपेंडेंसीज हैं, जो बेसिकली वॉर और WAW हैजर्ड्स जो हैं उनका उनके वो होती हैं, इनको ये मिनिमाइज कर देती हैं। ये दो चीज़ें जो हैं ये तोमासुलु एल्गोरिथम में सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो रजिस्टर रीनेमिंग इज प्रोवाइडेड बाय रिजर्वेशन स्टेशंस। ठीक है, इसने कुछ रिजर्वेशन स्टेशंस यूज़ किए हैं, अभी आप देख लेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने रजिस्टर रीनेमिंग में क्या किया था स्टैटिक स्केड्यूलिंग में, अगर आप एफ नॉट यूज़ हो रहा है उसका नाम चेंज करके F23 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तोमासुलु ने ये किया, जो आपका रजिस्टर है उसका, जैसे यहाँ पे अभी हमने आपको शो भी किया, यहाँ पे आपने रीनेमिंग करके S और T बना दिया, तो इसी तरह यहाँ पे आप तोमासुलु ने ये किया, रजिस्टर रिजर्वेशन स्टेशन यूज़ किए और इसके अंदर आपने अपने रजिस्टर्स को स्टोर कर लिया। तो जब आपके रजिस्टर ही कहीं और स्टोर हो गया तो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर में उसकी रीनेमिंग होगी, क्योंकि आप किसी नए रजिस्टर में जो रजिस्टर फाइल का पार्ट नहीं है, अगेन रजिस्टर फाइल का पार्ट नहीं है, जो 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, जो 32 इंटीजर रजिस्टर्स हैं जो रजिस्टर फाइल कहलाते हैं, ये रिजर्वेशन स्टेशन रजिस्टर फाइल का पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट स्टेशन हैं जिसमें कुछ रजिस्टर्स हैं। तो आप अपने रजिस्टर को इन रिजर्वेशन स्टेशन में स्टोर कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपकी रजिस्टर रीनेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं रिजर्वेशन स्टेशन किस तरह के हैं, ये आज ही हम देखेंगे। ठीक है जी, तो रिजर्वेशन स्टेशन कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन, बफर्ड ऑपरेंड वैल्यूज व्हेन अवेलेबल। ठीक है, ऑपरेंड वैल्यूज व्हेन अवेलेबल, ठीक है, जो आपके ऑपरेंड ये ऑपरेंड्स हैं इनकी जो वैल्यूज है ये इनके अंदर होती हैं। रिजर्वेशन स्टेशन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग द ऑपरेंड वैल्यूज, रिजर्वेशन स्टेशन नंबर्स होते हैं इन रिजर्वेशन स्टेशन के, बेसिकली आपको ऑपरेंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो दो तरह के ऑपरेंड्स होंगे, एक प्रोड्यूसिंग ऑपरेंड्स होंगे, कंज्यूमिंग ऑपरेंड। ठीक है जी, रिजर्वेशन स्टेशन फेचेस एंड बफर एंड ऑपरेंड एज सून एज इट बिकम्स अवेलेबल। ठीक है जी, जैसे ही आपका ऑपरेंड अवेलेबल होता है रिजर्वेशन स्टेशन जो हैं आपके ऑपरेंड्स को बफर कर लेंगे, नो मैटर ये जो ऑपरेंड्स हैं ये आपके रजिस्टर फाइल में प्रोड्यूस हो रहे हैं या किसी और रिजर्वेशन स्टेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों जगह से जैसे ही अवेलेबल होगा वो रिजर्वेशन स्टेशन आपके ऑपरेंड्स को बफर कर लेगा। ठीक है जी, पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस डेजिग्नेट टू रिजर्वेशन स्टेशन टू विच दे सेंड देयर आउटपुट्स। ठीक है जी, जो पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिजर्वेशन स्टेशन को अलोकेट कर दी जाएंगी
टू विच दे विल सेंड देयर आउटपुट्स, और वहीं से वो अपनी आउटपुट्स भेजेंगी। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अभी थोड़ी देर तक जब मैं आपको डायग्राम्स हम इस थॉमस सुलो एल्गोरिथम को हार्डवेयर में डेवलप करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। लेकिन अगेन आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही है, किसी एक पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मुझसे पूछें ज़रूर। ठीक है जी, तो जैसे ही आपके पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, रिजल्ट वैल्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रिजल्ट बस कॉल्ड द कॉमन डेटा बस। जैसे ही आपके पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, आपने एग्जीक्यूशन कर दी, जैसे अभी हमने पाइपलाइन में देखा था यहाँ पे, जैसे ही आपने पाइप एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, आप रिजल्ट्स को कॉमन डेटा बस CDB कॉमन डेटा बस पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक है, ओनली द लास्ट आउटपुट अपडेट्स द रजिस्टर फाइल। जो कॉमन डेटा बस पे लास्ट आउटपुट होगी वो आपकी रजिस्टर फाइल को अपडेट कर देगी, और एज वेल एज अगर रिजर्वेशन स्टेशन में आपको वो ऑपरेंड चाहिए जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी वो अपडेट कर देगी। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन एज इंस्ट्रक्शंस आर इशूड द रजिस्टर स्पेसिफायर्स आर रीनेम्ड विद द रिजर्वेशन स्टेशन। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रजिस्टर रीनेमिंग है आपके रजिस्टर स्पेसिफायर जो थे आर सॉरी X1 X2 X3 F0 F2 F3 F5 F32, ये जो रजिस्टर स्पेसिफायर्स थे जब ये रिजर्वेशन स्टेशन में चले जाते हैं तो रिजर्वेशन स्टेशन से वो रीनेम हो जाते हैं। ठीक है जी, तो रीनेमिंग जो है आप अपने रजिस्टर स्पेसिफायर्स को कंटेंट्स को रिजर्वेशन स्टेशन में जब कॉपी कर रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स जो हैं वो रीनेम हो रहे हैं। ठीक है, मे बी मोर रिजर्वेशन स्टेशन दैन रजिस्टर्स, आप पॉसिबल है थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर आप इतने रिजर्वेशन स्टेशन यूज़ कर लें कि आपके रजिस्टर्स जो हैं उससे ज़्यादा रजिस्टर्स बन जाएं। यानी अगर आपके 32 रजिस्टर्स हैं तो रिजर्वेशन स्टेशन आप इससे ज़्यादा यूज़ कर लें, पॉसिबल है, जस्ट हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप जितनी हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके रिजर्वेशन स्टेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है, लोड एंड स्टोर बफर्स कंटेन डेटा एंड एड्रेसेस लाइक एड्रेस लाइक रिजर्वेशन स्टेशन एक्ट लाइक रिजर्वेशन स्टेशन। ये भी आप देखेंगे रिजर्वेशन स्टेशन के अलावा इस थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर लोड एंड स्टोर बफर्स भी यूज़ हो रहे हैं, लोड एंड स्टोर बफर्स, और ये जो बफर्स हैं ये भी रिजर्वेशन स्टेशन की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन नाम इनका डिफरेंट है लेकिन अगेन ये भी रिजर्वेशन स्टेशन की तरह ही है, लोड और स्टोर बफर्स। ठीक है, तो थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर रिजर्वेशन स्टेशन हैं, लोड एंड स्टोर बफर्स हैं, इनकी मदद से यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं रजिस्टर रीनेमिंग हो रही है। ठीक है, जब आपके रजिस्टर के कॉन्टेंट रिजर्वेशन स्टेशन में या लोड स्टोर बफर्स में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोकेशन चेंज होगी, रजिस्टर नेम चेंज हो जाएगा। नंबर टू, जब आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है तो आप जब रिजल्ट अवेलेबल है तो आप उसे कॉमन डेटा बस के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये थॉमस सुलो एल्गोरिथम की डायग्राम है, और ये आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू है, ये आपकी रजिस्टर फाइल है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये दो आपके रिजर्वेशन स्टेशन हैं, ये लोड और स्टोर बफर्स हैं, ये एड्रेस यूनिट है। एड्रेस यूनिट बेसिकली मेमोरी ऑपरेशंस में जब आप जा रहे हैं ना रीड और राइट में, लोड और स्टोर में, तो आप लोड और स्टोर बफर यूज़ कर रहे हैं और वो आपकी मेमोरी के साथ अटैच हैं। ये आपकी मेमोरी कैश 1 कैश 2 कैश 3 और रैम। ठीक है, ये मेमोरी हायरार्की से आपके लोड और स्टोर बफर्स कनेक्टेड है, और उससे पहले एड्रेस यूनिट है जो आपके एड्रेस कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो रहा है। ये आपके रिजर्वेशन स्टेशन हैं जो आपके डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड हैं और इंस्ट्रक्शन क्यू से कनेक्टेड हैं। ये आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर है, फ्लोटिंग पॉइंट एडर है, ये आपकी मेमोरी यूनिट्स हैं, और ये आपकी कॉमन डेटा बस है जो डार्क ब्लैक कलर में है, ये कॉमन डेटा बस है। ठीक है जी, ये थॉमस सुलो एल्गोरिथम की हार्डवेयर डायग्राम है। थॉमस सुलो एल्गोरिथम जो है ना थ्री स्टेप्स में काम कर रहे हैं, नंबर 1 इशू, नंबर 2 एग्जीक्यूट, नंबर 3 राइट रिजल्ट्स। ठीक है, ये थ्री स्टेप्स हैं, ये अगेन पाइपलाइन की स्टेजेस नहीं है, पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन डिकोड फेच एग्जीक्यूट मेमोरी राइट बैक, ये वो वाली स्टेजेस नहीं है, ये थॉमस सुलो एल्गोरिथम की थ्री स्टेप्स हैं। नंबर 1 इशू, एग्जीक्यूट और राइट रिजल्ट। इशू में क्या हो रहा है, इशू में गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फीफो क्यू। ठीक है, ये फीफो क्यू से आप इंस्ट्रक्शंस फेच कर रहे हैं, इफ मैचिंग रिजर्वेशन स्टेशन अवेलेबल, इस रिजर्वेशन स्टेशन मैचिंग रिजर्वेशन स्टेशन, मैचिंग का क्या मतलब है भी आपको समझ आ जाएगा, इफ मैचिंग रिजर्वेशन स्टेशन आर अवेलेबल इशू द इंस्ट्रक्शन टू द रिजर्वेशन स्टेशन विद ऑपरेंड वैल्यूज इफ अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, ठीक है जी, और अगर आपका यहाँ पे मैचिंग रिजर्वेशन स्टेशन अवेलेबल है यानी खाली है, उसमें कोई स्लॉट अवेलेबल है, ये स्लॉट्स हैं अवेलेबल है, तो
आप इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे इस रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर, और इस इंस्ट्रक्शन के अगर ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं तो उसको भी फेच कर लेंगे रजिस्टर फाइल से। अगर ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप उनका वेट करेंगे ऑपरेंड्स का, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन स्टेशन एम्प्टी है तो आपने इंस्ट्रक्शन को फेच करके इस रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। इफ ऑपरेंड वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल कीप ट्रैक ऑफ द फंक्शनल यूनिट्स दैट विल प्रोड्यूस द ऑपरेंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हैं तो आपने जस्ट रजिस्टर फाइल से उठा के इनमें कॉपी कर लिया, लेकिन अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं हैं आप वेट करेंगे कि ये जो फंक्शनल यूनिट्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करें कॉमन डेटा बस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करें, और यहाँ पे या यहाँ पे वो राइट कर दें और अपडेट कर दें, ठीक है जी। तो इन रिजल्ट्स का वो वेट करते हैं अगर ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं है रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर। अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं है तो इन फंक्शनल यूनिट्स का वो वेट करेंगे ताकि रिजल्ट्स अवेलेबल हों, कॉमन डेटा बस के ऊपर अवेलेबल हों। जैसे कॉमन डेटा बस के ऊपर अवेलेबल होंगे तो रिजल्ट्स कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं तो डायरेक्टली आपको किसी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्टर फाइल से वो ऑपरेंड्स भी रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। इशू स्टेट समझ आ गई है, ठीक है जी। इशू स्टेज के अंदर के क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नंबर वन, इंस्ट्रक्शन क्यू है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अगर ये आपके मैचिंग रिजर्वेशन स्टेशंस, यहाँ पे आपके बफर्स अवेलेबल हैं और रिजर्वेशन स्टेशंस अवेलेबल हैं तो इंस्ट्रक्शंस फेच होके यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद आपने दो चीज़ें देखनी है। नंबर वन कि आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं तो आप इस रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड बस, ये जो ऑपरेंड बसेस हैं सॉरी ये ऑपरेंड बसेस के थ्रू अपने ऑपरेंड्स को रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर कॉपी कर लेंगे। अगर आपके ऑपरेंड्स को अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं और प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना, तो आप ये कॉमन डेटा बस के ऊपर वेट करेंगे कि वो ऑपरेंड्स अवेलेबल हों, उनके रिजल्ट्स अवेलेबल हों और आप इनको रिजर्वेशन स्टेशन में या रजिस्टर फाइल में कॉपी कर लें, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इशू स्टेप। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है मैं आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ और अभी इससे ज़्यादा मैं आगे जाके भी करूँगा। तो ये स्टेप समझ आ गया, इशू स्टेप आपको समझ आ गया तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें। इशू स्टेप समझ आ गया, क्लियर हो गया आपको, ओके। अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको समझ आ गया। अगेन आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कहीं क्वेश्चन आता है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूट। व्हेन ऑपरेंड बिकम्स अवेलेबल स्टोर इन एनी रिजर्वेशन स्टेशन वेटिंग फॉर इट। जो रिजर्वेशन स्टेशन आपके ऑपरेंट्स का वेट कर रहे थे, अगर आपके ऑपरेंट्स अवेलेबल हैं तो आपने रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर कॉपी कर लें, ठीक है। नंबर वन, व्हेन ऑल ऑपरेंट्स आर रेडी इशू द इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। ये दो पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि जैसे ही आपके ऑपरेंट्स अवेलेबल हो आपने उनको रिजर्वेशन स्टेशंस के अंदर कॉपी कर लिया। जब ये रिजर्वेशन स्टेशंस के अंदर ऑपरेंट्स अवेलेबल हैं, एक वो जो आपने कॉपी किया है और सेकंड जो आपके पास अवेलेबल था, ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे ऑपरेंट्स रेडी हो जाएंगे तो आप ये फंक्शनल यूनिट्स को प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। अगर यहाँ पे एडिशन की इंस्ट्रक्शन है तो ये दो ऑपरेंट्स जो हैं वो आपके एडिशन के लिए रेडी हैं, यानी आपकी आपका दोनों ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आपने उनको इस एडर को प्रोवाइड करना है ताकि ये जो एडर है ये आपका एडिशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो नंबर वन, जैसे ही ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं आपने रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर उनको कॉपी किया, स्टोर किया, और जब ऑपरेंड्स रेडी हो गए हैं तो आपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए इशू कर दिया। लोड एंड स्टोर मेंटेन इन प्रोग्राम ऑर्डर थ्रू इफेक्टिव एड्रेस। No instruction allowed to initiate execution until all branches that proceed it in the program order have completed. Load and store work in two steps. ठीक है जी। तो पहले जो load and store जो हैं ये effective address के जरिए जो हैं effective address unit के through जो हैं अपनी execution unit को execution को maintain करते हैं, ठीक है, इनके order को maintain करते हैं। पहले address calculate होता है, अगर यहाँ पे address का कोई conflict आए, इस एड्रेस यूनिट में एड्रेस बफर्स के एड्रेसेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो आपकी इंस्ट्रक्शन या एड्रेस ये लोड बफर और स्टोर बफर में इशू नहीं होगी, ठीक है, हम इसे आगे जाके देखेंगे, ठीक है जी। और नंबर टू,
आप तब तक नो इंस्ट्रक्शन अलाउड टू इनिशिएट एग्जीक्यूशन अंटिल ऑल ब्रांचेस दैट प्रोसीड इट इन प्रोग्राम ऑर्डर हैव कंप्लीटेड. ठीक है, जो ब्रांचेस हैं वो कंप्लीट होंगी तब तक आप अपने इंस्ट्रक्शंस को जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे. और लोड और स्टोर जो है वो टू स्टेप्स में काम करते हैं. ये टू स्टेप्स में कैसे काम करेंगे हम अभी आगे जाके देखेंगे. ठीक है, इस एग्जीक्यूशन में क्यों इशू है, तो मेन आइडिया एग्जीक्यूशन में ये है कि आपके ऑपरेंड जब तक रेडी नहीं है आप अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेज सकते. जैसे ही आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल होते हैं आप उनको रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर या बफर्स के अंदर कॉपी करेंगे और अपने फंक्शनल यूनिट्स को प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें. हाँ, स्टेप इज राइट रिजल्ट. सिंपल सर जी, राइट रिजल्ट ऑन कॉमन डेटाबेस इनटू रिजर्वेशन स्टेशन एंड स्टोर बफर एंड फ्रॉम देयर इनटू द रजिस्टर्स. स्टोर मस्ट वेट अंटिल एड्रेस एंड वैल्यूज आर रिसीव्ड. बेसिकली राइट के अंदर यही कह रहे हैं, जब आपके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं तो आप कॉमन डेटाबेस के ऊपर अवेलेबल हैं तो आप रजिस्टर फाइल में, रिजर्वेशन स्टेशन में, या आप ये देख सकते हैं ये जो कॉमन डेटाबेस है ये आपकी स्टोर के साथ कनेक्टेड है, लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है. राइट, लोड ने क्या करना होता है, मेमोरी से कंटेंट्स को लोड के अंदर लोड करना होता है. ठीक है, लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, स्टोर के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, और स्टोर जो है जब तक आपका एड्रेस और वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तब तक ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा. तो ये आपके तीन स्टेप्स हैं, इशू, एग्जीक्यूट, राइट रिजल्ट. इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें. जी, कोई क्वेश्चन है सर, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है? इसमें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, ये क्वेश्चन है आपका? जी सर. बिल्कुल ठीक है. अभी तक मैंने आपको आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन नहीं की और अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं है कैसे हो रही है. और अभी आज की लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे रजिस्टर रीनेमिंग हो रही है, इसे आप एग्री कर रही हैं, राइट? जी सर. बस ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है अभी आपको आज के लेक्चर के एंड पे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं. गुड, आपने क्वेश्चन किया, गुड, वेरी गुड जी. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि अगर आपको समझ आएंगे स्टेप्स तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकूंगा कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो कैसे रही है. ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपको समझ आएंगे तब ही आपको समझ आएगी कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है. तो इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गए स्टेप्स तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ. अगर नहीं समझ आए तो काइंडली मुझसे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होगी. ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं. ये जो रिजर्वेशन स्टेशन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, रिजर्वेशन स्टेशन बने हुए हैं, इनके कुछ फील्ड्स हैं. ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन की कुछ फील्ड्स थी, तो रिजर्वेशन स्टेशन की भी 7 फील्ड्स हैं. ठीक है जी, ये 7 फील्ड्स हैं. नंबर 1 OP, ये जो है द ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन सोर्स ऑपरेंट. ये बिल्कुल उसी तरह जो ऑप कोड की तरह की फील्ड है. ये ऑप कोड क्या होता था, मैं बताता था कि ऑपरेशन आपने क्या करना है. इंस्ट्रक्शन में जो ऑप कोड की फील्ड थी ना, ये बिल्कुल उसी तरह की फील्ड है ऑपरेशन. ठीक है, ये हमें बताता है कि सोर्स ऑपरेंट्स के ऊपर आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. QJ एंड QK ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स हैं रिजर्वेशन स्टेशन के. जैसे आपके रजिस्टर स्पेसिफायर्स हैं ना, X0, X1, X2, X21, 22, F0, F3, F5, F18 एंड सो ऑन, वो रजिस्टर स्पेसिफायर्स हैं. तो रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर रिजर्वेशन स्टेशन के आइडेंटिफायर हैं QJ एंड QK. ठीक है, डेट विल प्रोड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स ऑपरेंट्स. इनके अंदर आपके सोर्स ऑपरेंट्स जो है उन्होंने कॉपी होने हैं. ठीक है, आप इनको ये कह सकते हैं कि बेसिकली आपकी फैक्ट्रीज हैं. ये मेरा वर्ड है, ठीक है, थॉमस सुलू ने ये वर्ड यूज़ नहीं किया था फैक्ट्रीज का, ये मैंने वर्ड यूज़ किया है. बेसिकली ये फैक्ट्रीज हैं कि जब आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ के अंदर यहाँ पे आएंगे आपके. ठीक है, और उनकी के जो ऑपरेंट्स की वैल्यूज जो हैं वो VJ और VK के अंदर स्टोर होंगे. ठीक है, ये स्पेसिफायर्स हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं रिजर्वेशन स्टेशन के, और ये उनकी वैल्यूज हैं. QJ की जो वैल्यू है वो VJ में जाएगी, QK की वैल्यूज VK के अंदर अवेलेबल होगी. ठीक है, A के अंदर आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगी, इमीडिएट फील्ड होगी फॉर एड्रेस कैलकुलेशन, और फैक्ट्री पर एड्रेस कैलकुलेशन भी इसी के अंदर जाएगा. राइट, A के अंदर आपकी इमीडिएट फील्ड भी होगी, और जब आप इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे तो इफेक्टिव एड्रेस भी इसी A के अंदर ही कॉपी होगा. ये अभी आप आगे जाके के देखेंगे. और ये लास्ट फील्ड है बिजी. रिजर्वेशन स्टेशन हैं, रिजर्वेशन स्टेशन ये बिजी हैं या अवेलेबल हैं.
तो आपके रिजर्वेशन स्टेशन बिजी होंगे और आप उसके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शन को इशू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो अवेलेबल होंगे तो आप अपनी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन क्यू से निकाल के इनमें कॉपी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो रिजर्वेशन स्टेशन की 7 फील्ड हैं। जो रजिस्टर फाइल जो आपने अपेंडिक्स सी में पढ़ी है और शुरू के लेक्चर से आप देखते आ रहे हैं, उसके अंदर भी एक एडिशनल फील्ड है जो अभी तक हमने स्टडी नहीं की, जो थॉमस सोलो एल्गोरिथम के अंदर यूज होती है, विच इज क्यू आई फील्ड। ये जो रजिस्टर फाइल है, रजिस्टर फाइल्स में इंटीजर रजिस्टर्स हैं और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, और अगेन ये जो थॉमस सोलो एल्गोरिथम है ये सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है। ये थॉमस सोलो एल्गोरिथम को आप इंटीजर ऑपरेशंस के लिए भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ किया गया और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है वो मल्टीपल साइकिल्स, बहुत ज़्यादा साइकिल्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है जी। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करें, क्योंकि एक ऑपरेशन 24 साइकिल्स कंज्यूम कर सकता है, ठीक है जी। तो ये जो रजिस्टर फाइल्स हैं इसके साथ एक फील्ड अटैच है विच इज़ क्यू आई, ठीक है जी। इस फील्ड को आप कहते हैं रजिस्टर स्टेटस फील्ड। ये भी आइडेंटिफाई नेम ऑफ द रिजर्वेशन स्टेशन। इसके अंदर ये क्या होगा, जो रिजर्वेशन स्टेशन का आइडेंटिफायर है ना क्यू जे और क्यू के, इनका जो नेम होगा वो भी आप आगे जाके देखेंगे, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, जो नेम है वो इस क्यू आई फील्ड के अंदर सेव होता है, ठीक है। द आइडेंटिफायर ऑफ द रिजर्वेशन स्टेशन दैट कंटेन्स द ऑपरेशन हुज रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड इन टू द रजिस्टर। जो रिजर्वेशन स्टेशन का जो रिजल्ट है वो जिस रजिस्टर के अंदर स्टोर होना चाहिए उस रिजर्वेशन स्टेशन का आइडेंटिफायर क्यू आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है जी। इफ क्यू आई फील्ड इज जीरो और ब्लैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्यू आई फील्ड जीरो है या ब्लैंक है, इट मीन्स नो करंटली एक्टिव इंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटिंग अ रिजल्ट। इट मीन्स के रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो उस रजिस्टर के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है। अगर आपका क्यू आई फील्ड जीरो है या ब्लैंक है तो इट मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो उसका रिजल्ट आपके इस रजिस्टर में कॉपी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ उस स्रोत में कॉपी होगा जब आपकी क्यू आई फील्ड किसी रिजर्वेशन स्टेशन के आइडेंटिफायर से रिप्लेस हुई होगी, और जो नेम यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा क्यू आई फील्ड के अंदर वहीं से रिजल्ट आपके पास रजिस्टर फाइल के अंदर कॉपी होगा, ठीक है जी। तो आप अगेन ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम आपकी बुक में अवेलेबल है, इसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है। अभी तक मैंने आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन का एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है जी। ये आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू है, ये आपके दो रिजर्वेशन स्टेशन हैं। इस रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर 3 स्लॉट्स हैं। बेसिकली आप इसे ये कहें कि आपकी ये दो रिजर्वेशन स्टेशन के ब्लॉक्स हैं। ये आपका रिजर्वेशन स्टेशन एड 1 है, एड 2 है, एड 3 है। ये रिजर्वेशन स्टेशन के नेम्स हैं। ये आपके मल्टीप्लीकेशन 1, मल्टीप्लीकेशन 2, इनके रिजर्वेशन स्टेशन हैं, ठीक है। तो सिंपल सा थॉमस सोलो एल्गोरिथम है जिसके अंदर सिंपल 5 रिजर्वेशन स्टेशन हैं, ठीक है। और ये रिजर्वेशन स्टेशन इंस्ट्रक्शन क्यू के साथ अटैच्ड हैं, और ये इंस्ट्रक्शन क्यू ऑपरेशन बसेस के थ्रू रिजर्वेशन स्टेशन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये ऑपरेशन बसेस के थ्रू तो आप इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, जो ऑपरेंट्स हैं जो रजिस्टर फाइल के अंदर अवेलेबल हैं वो ऑपरेंट बसेस के थ्रू आप इन रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आपका रिजर्वेशन स्टेशन आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू के साथ ऑपरेशन बस के थ्रू कनेक्टेड हैं, और ऑपरेंट बसेस के थ्रू आपके रजिस्टर फाइल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर जो ऑपरेंट्स हैं वो ऑपरेंट बसेस के थ्रू आपके रजिस्टर फाइल से कॉपी होकर इन रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आएंगे अगर वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं क्यू आई फील्ड जो है वो रजिस्टर फाइल के साथ अटैच कर दी गई है, क्यू आई फील्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी ये फंक्शनल यूनिट्स आपने रिजर्वेशन स्टेशन के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सिंगल एडर नहीं है, ये मल्टीपल एडर्स हैं, ठीक है। जितनी आपकी हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने ज़्यादा एडर्स, उतने ज़्यादा रिजर्वेशन स्टेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट एडर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स आपके इन रिजर्वेशन स्टेशन के साथ कनेक्टेड हैं। अब आपका अगर ये जो फंक्शनल यूनिट्स हैं इनका जो रिजल्ट है, ये कॉमन डेटा बस जो डार्क ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, ये इस पर अवेलेबल होगी, और ये कॉमन डेटा बस जो है आपके रिजर्वेशन स्टेशन से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे रिजर्वेशन स्टेशन से भी कनेक्टेड है,
और आपके रजिस्टर फाइल से भी कनेक्टेड है। ठीक है जी, अगेन कहीं पे क्वेश्चन है आप लोग मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लोड और स्टोर ऑपरेशंस हैं उनके लिए आपने ये एक लोड बफर अटैच किया है। इस लोड बफर के अंदर एड्रेसेस ए फील्ड जो है, ए फील्ड एड्रेसेस सेव होंगे क्योंकि आपको लोड बफर के अंदर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, और वहाँ से आप फिर मेमोरी के अंदर मेमोरी से आप लोड कर सकते हैं एड्रेस को, कंटेंट्स को। और ये स्टोर बफर है, इसके अंदर आपने वो वैल्यूज़ जो हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो कॉमन डेटाबेस के थ्रू आपका जो ये कॉमन डेटाबेस जो है आपकी स्टोर बफर से कनेक्टेड है, डेटा की वैल्यू जो कंटेंट्स हैं वो आपके स्टोर करने के लिए, और एड्रेस स्टोर बफर के लिए आपको एड्रेस भी चाहिए और कंटेंट्स भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फोर लोड बफर्स हैं, लोड बफर वन, लोड बफर फोर, स्टोर बफर वन, स्टोर बफर टू, स्टोर बफर फोर। ठीक है जी, तो ये आपकी टोमासोलो एल्गोरिदम की जो हार्डवेयर है वो इस तरह है। ठीक है जी, तो आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया और इसमें कुछ फील्ड्स जो हैं एक्सप्लेन नहीं हुई हुई, यानी यहाँ पे क्यू फील्ड नहीं रिप्रेजेंट की गई, यहाँ पे आपकी 1, 2, 3 रिप्रेजेंट किया गया जबकि ये डिफरेंट रिजर्वेशन स्टेशन हैं, यहाँ पे एडिशन के 3 रिजर्वेशन स्टेशन हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के 2 रिजर्वेशन स्टेशन हैं, ये लोड स्टोर बफर्स हैं, इनके आइडेंटिफायर्स मिसिंग हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने दोबारा रिक्रिएट किया है और उनमें ये मैंने जो आइडेंटिफायर्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है जी, और ये आपकी लोड स्टोर ऑपरेशन बस है, ये आपकी मेमोरी एड्रेस यूनिट से कनेक्टेड है, ये आपका एड्रेस जनरेट करता है और फिर ये आपके आगे फर्दर बसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, तो लोड स्टोर बेसिकली आपकी ग्रीन कलर से कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है, ये ऑपरेशन बस आपकी रेड कलर से कनेक्टेड है, रेड कलर से रिप्रेजेंट हुई हुई है, और ये आपकी पर्पल कलर से रिप्रेजेंट हुई है, कॉमन डेटा बस आपकी डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हुई है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अभी तक मैंने आपको आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं एक्सप्लेन किया और मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, फर्स्ट एग्जांपल है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस की, लेट्स सपोज अब देखेंगे आप लोग ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। लेट्स सपोज आपकी एक मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हैं और एक इंस्ट्रक्शन आती है एफ एडिशन, जो एफ थ्री फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, एफ थ्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपकी रॉ हैजर्ड है और आपने इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अनलेस कि आप इस डिपेंडेंसीज को मेंटेन करें। ठीक है, तो आपको ये एफ थ्री का रिजल्ट चाहिए एडिशन के लिए, तो देखते हैं जी ये आपकी रजिस्टर फाइल है, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, और उनकी क्यू आई फील्ड है। ठीक है, ये क्यू आई फील्ड है, रजिस्टर फाइल है, और ये आपका एक सिंगल रिजर्वेशन स्टेशन है। ये जो यहाँ पे एक रिजर्वेशन स्टेशन है, ये रिजर्वेशन स्टेशन है, ये उस ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये इसकी 7 फील्ड्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ऑपरेशन क्यू जे, क्यू के, वी जे, वी के, एड्रेस एंड बिजी, ये उसका एक सिंगल रिजर्वेशन स्टेशन है। ठीक है जी, फॉर एडिशन इंस्ट्रक्शन दिस इंस्ट्रक्शन First operand is being produced. This first operand F3 is being produced by reservation station QJ is equal to bulk 2. अब ये जो QJ है, ये जो second जो first operand है VJ, sorry, जो first operand है, कहाँ पे गया जी, ये जो first operand है F3, ये addition is multiplication instruction जो है वो produce कर रही है। ठीक है, और F3 जो है F3 ये आपके रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर एक रिजर्वेशन स्टेशन, ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, QJ से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और QJ यहाँ पे उसकी वैल्यू है मल्ट टू, मल्ट टू का मतलब ये है कि ये मल्ट टू आपका F3 0, 1, 2, 3, यहाँ पे QI फील्ड जो है इट इज आल्सो मल्ट टू। ठीक है, यहाँ पे क्यू जे का मतलब, मल्ट टू का मतलब ये है कि कोई रिजर्वेशन स्टेशन, कोई और रिजर्वेशन स्टेशन है मल्ट टू, दिस इज रिजर्वेशन स्टेशन मल्ट टू, इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन है जो ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो एग्जीक्यूशन फेज में है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, उससे आपने एफ थ्री को रिप्लेस कर दिया, क्यू जे को रिप्रेजेंट कर दिया मल्ट टू, और ये मल्ट टू आपके रजिस्टर फाइल के अंदर भी आपने इस एफ थ्री को मल्ट टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नंबर टू क्यू के इज जीरो, अभी आपको मैंने बताया था जो सेकंड फील्ड है एफ टू इट इज जीरो, उसकी रीजन ये है, जीरो का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे अभी आपको क्लेम किया था, यहाँ पे दोबारा
यस यहाँ पे इफ क्यू आई फील्ड इज जीरो, इसका मतलब ये है कि अगर ये जीरो है तो इट मींस ये जो एफ टू है, जीरो वन टू, ये जो एफ टू है ये किसी और इंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इट इज अवेलेबल। ठीक है जी, ये वैल्यू अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो थॉमस उलो एल्गोरिथम इस रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड बसेस के थ्रू इसकी वैल्यू कॉपी करेगा और उसकी वैल्यू है, हम एज्यूम कर रहे हैं इट इज 0.76। तो वी के क्यू के की वैल्यू अवेलेबल है और वो उसकी वैल्यू क्या है, वी के में हमने स्टोर कर दिया 0.71। ठीक है, क्यू जे की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है मल्ट टू में रजिस्टर फाइल में उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मल्ट टू रिजर्वेशन स्टेशन में प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वैल्यू स्टिल अननोन है, वी जे की वैल्यू अननोन है और ये रिजर्वेशन स्टेशन हमने वन कर दिया क्योंकि इट इज बिजी। यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछें, ओके जी फिर देखते हैं, इसको मैं एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूँ आगे। ठीक है, अगर ये आपको रिजर्वेशन स्टेशन के कंटेंट्स और रजिस्टर फाइल के कंटेंट्स समझ आ गए तो हो क्या रहा है, एक ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मल टू में एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, उसके ऑपरेंड जो है वो 0.1 जो भी हो, हमें उसे गर्ज नहीं है, हम एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन जो है वो इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर है और मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है तो एडिशन की इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन फेच में अवेलेबल, इंस्ट्रक्शन क्यू में अवेलेबल है, आपने उसे फेच किया रिजर्वेशन स्टेशन एडिशन वन में, उसके कॉन्टेंट्स चाहिए। ठीक है, मल्ट टू का मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन, ये ऑपरेंड जो अवेलेबल नहीं है, जिसका रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे जो डिपेंडेंस है एफ थ्री की, हार्डवेयर में आपने उसका नाम कर दिया एफ मल्ट टू, हार्डवेयर में आप इसकी रीनेमिंग कर दिया, उसकी वैल्यू मल्ट टू में प्रोड्यूस हो रही है और इट इज नो, इट इज इसकी इस फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में इसकी पुरानी वैल्यू स्टोर है 9.4, इसकी पुरानी वैल्यू स्टोर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, तो जब ये एग्जीक्यूट कर ले और उसका जो रिजल्ट है 33.98, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 33.98 है, जब ये रिजल्ट अवेलेबल है तो ये कॉमन डेटा बस पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कॉमन डेटा बस पे ब्रॉडकास्ट होगा, उसके बाद ये जो जब आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया अपने रिजल्ट को, उसके बाद क्या होगा, ये आपका रिजल्ट इस रिजर्वेशन स्टेशन में कॉपी हो गया 33.98 एज वेल एज 33.98 आपकी रजिस्टर फाइल में भी कॉपी हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ पे मल्ट टू क्यू आई फील्ड मल्ट टू थी, जब ये वैल्यू अवेलेबल है तो आपने इसको जीरो कर दिया या ब्लैंक कर दिया। ठीक है, हार्डवेयर में अगेन ये जीरो ही होगा, या आप डायग्राम में आप इसे ब्लैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको जीरो सेट कर दिया, इट मींस ये वैल्यू अवेलेबल है और ये वैल्यू आपने ऑपरेंड बसेस के थ्रू इस रिजर्वेशन स्टेशन 33.98 के अंदर कॉपी भी कर दिया। जब ये ऑपरेंड्स अवेलेबल हो, ये ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल हो, यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर यहाँ पे 33.98 वैल्यू आपके पास अवेलेबल भी हो गई है। ठीक है जी, जब ये ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं आपने इन ऑपरेंड्स को एग्जीक्यूशन फेज में भेजना है और आपका फ्लोटिंग पॉइंट एडर एडिशन परफॉर्म करेगा और आपका रिजल्ट जो है थर्ड स्टेप में राइट रिजल्ट उसमें ये जो आपकी रिजल्ट कॉमन डेटा बस पे ब्रॉडकास्ट होगा और आपका रिजल्ट जो है ये ब्रॉडकास्ट होने के बाद आपका एफ नोड एफ वन पे राइट कर दिया गया। ठीक है जी, यहाँ पे आपका रिजल्ट राइट कर दिया गया और आपका रिजर्वेशन स्टेशन फ्री हो गया और आपने बिजी बिट को जीरो सेट कर दिया जी, ये आपकी आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन है। ठीक है, क्योंकि दरमियान की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, स्टॉल नहीं करना पड़ेगा और एडिशन जो है वो आपकी परफॉर्म होगी बैक एंड पे। ठीक है जी, यहां पे क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, एक ये एग्जांपल है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बल्कि यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आउट ऑफ ये एग्जीक्यूशन हो कैसे रही है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। सर, ए की वैल्यू अपडेट क्यों होगी, ए की वैल्यू
ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू एड्रेस की, इसकी वैल्यू की बात कर रही हैं जी। इसकी वैल्यू हम इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोड और स्टोर ऑपरेशन तो नहीं कर रहे, हम तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, तो एड्रेस हमें चाहिए ही नहीं। हमें एड्रेस नहीं चाहिए, इसलिए ब्लैंक है। ये जो एड्रेस है ये आप देख वाइड होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, कुछ और था? से यही था, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। सर QJ और QK को एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। ओके जी, मैं QJ और QK को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है जी। एडिशन की आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है जो बेसिकली आपकी F3 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन है वो F3 इंस्ट्रक्शन क्यू में भी इस वक्त है, और ये जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, ये किसी रेजर्वेशन स्टेशन मल टू के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। रेजर्वेशन स्टेशन के अंदर अवेलेबल है और इसके ऑपरेंट्स भी रेडी हैं, और इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके ऑपरेंट्स अवेलेबल हैं, इसने अब सिर्फ एग्जीक्यूट होना है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स में। सॉरी, तो अब जब आपने इंस्ट्रक्शन इशू की इस रेजर्वेशन स्टेशन एड वन में, ठीक है, तो इस रेजर्वेशन स्टेशन की जो सेवन फील्ड्स हैं वो किस तरह सेट होंगी? ऑपरेशन फील्ड, यहाँ पे आपने एडिशन करनी थी, तो ऑपरेशन फील्ड इज एडिशन एड क्यू जे, जो फर्स्ट ऑपरेंड है, यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड है एफ थ्री, ठीक है। एफ थ्री आप देख सकती हैं, जीरो वन टू थ्री, एफ थ्री यहाँ पे मल्ट टू से रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे क्यू आई फील्ड इज मल्ट टू। इट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, बल्कि कोई ओल्ड वैल्यू है, यहाँ पे रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, और ये रिजल्ट मल्ट टू रिजर्वेशन स्टेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्यू जे इस एड वन के रिजर्वेशन स्टेशन में क्यू जे फील्ड को हमने रीनेम करके मल्ट टू कर दिया। इनिशियली उसका ओल्ड नेम एफ थ्री था, ठीक है, यहाँ पे हमने मल्ट टू कर दिया, और इसकी वैल्यू वी जे इज अननोन बिकॉज वो प्रोड्यूस नहीं हुई हुई, वो अभी प्रोड्यूस नहीं हुई हुई, ठीक है जी, प्रोड्यूस नहीं हुई। लेकिन सर उस रजिस्टर में तो ऑलरेडी एक वैल्यू है ना 9.4। यस, लेकिन ये ओल्ड वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे हमने मल्ट टू लिख दिया ताकि हमें पता हो कि हमने इसे यूज नहीं करना। अगर यहाँ पे ये ब्लैंक होती, जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज यूज हो जाती, क्योंकि जब यहाँ पे उसने देखा भाई मेरी वैल्यू F3 है, मुझे रिक्वायर्ड है, जब उसने F3 को सर्च किया रजिस्टर फाइल में तो उसने QI फील्ड को भी चेक किया, जब उसने QI फील्ड को चेक किया तो जब वो QI फील्ड में देखेगा कि इट इज़ मल्ट टू, तो वो इस वैल्यू को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए ये QI फील्ड हमने इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया। 9.4 वैल्यू अवेलेबल है, करेक्ट, लेकिन ये ओल्ड वैल्यू है, ये हमें यूज़ नहीं करनी। ये बिल्कुल उसी तरह राइट हैजर्ड, रॉ हैजर्ड, जो हैजर्ड्स थे, जो हमने पीछे तीन तरह के हैजर्ड्स देखे, यही करते थे कि आप गलत वैल्यू रीड करें या गलत वैल्यू राइट करें। तो अगर ये यहाँ पे 9.4 वैल्यू रीड कर ले तो डेट विल बी रॉन्ग, और ये आपकी हैजर्ड क्रिएट हो जाएगी, आपके रिजल्ट गलत होंगे। इसीलिए क्यू आई फील्ड आपको बता रही है कि भाई मल्ट टू के अंदर आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आप वेट करें, 9.4 को आपने यूज़ नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे नाइन वेट किया जा रहा है। वी जे की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यू जे सॉरी क्यू के जो सेकंड ऑपरेंड है, जीरो, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? जी ओके, बेसिक क्वेश्चन ही था। ओके गुड, अगेन दरमियान में आप में से कोई भी मुझे दोबारा क्वेश्चन कर सकता है, राइट। सेकंड ऑपरेंड इज 0.76, यहाँ पे आप देखें F2 सेकंड ऑपरेंड था 0.76 इज अवेलेबल, यहाँ पे क्यू आई की फील्ड को कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे जीरो है, इट मींस इट इज अवेलेबल 0.76, और इसको कॉपी करके रिजर्वेशन स्टेशन में 0.76 कॉपी कर लिया, इसको हमने कॉपी कर लिया 0.76 को, जबकि हमने 9.4 को कॉपी नहीं किया था, 0.76 को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और जो रिजल्ट है F1 को हमने
यहाँ पे क्यू आई में एफ वन के रजिस्टर को हमने एड वन से रिप्लेस कर दिया ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई और इंस्ट्रक्शन अगर एफ वन को यूज़ करना चाहें तो उन्हें पता हो कि हमने 7.85 को यूज़ नहीं करना बल्कि एड वन एफ वन का रिजल्ट जो है एड वन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके रिजर्वेशन स्टेशन के कंटेंट्स हैं और अगेन आपने यहाँ पे बिट वन कर दिया ताकि ये रिजर्वेशन स्टेशन कोई और इंस्ट्रक्शन ऑक्यूपाई ना कर सके, ये बिजी है। ठीक है, अब आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, कॉमन डेटा बस पे ब्रॉडकास्ट हुआ। जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ तो आपने इस रिजल्ट को रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर कॉपी कर लिया, विच इज 33.98 और आपने अब जब रिजल्ट दोनों ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ से आपने मल्ट वन को ख़त्म भी कर दिया, मल्ट टू को ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, रिजल्ट कॉपी कर दिया ताकि अगले आने वाली इंस्ट्रक्शंस अगर यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट इस 33.98 को पिक कर सकें। ठीक है जी, और यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट एडर को दिए जाएंगे, रिजल्ट कैलकुलेट होगा 25.82 और ये ब्रॉडकास्ट होगा। ये रिजल्ट ब्रॉडकास्ट हुआ और ये ब्रॉडकास्ट होने के बाद आपका रिजर्वेशन स्टेशन फ्री हो गया और रिजल्ट F1 के अंदर 25.82 में स्टोर हो गया। यहाँ पे आपका थॉमस सुलो एल्गोरिथम का ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दिया, इसके दरमियान में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी कैलकुलेट एग्जीक्यूट हुई हैं, दरमियान में आप इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस F3 की वजह से आपको रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को स्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, यहाँ पे यहाँ तक आपकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हुई। फिर क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल में, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वेंसडे का लेक्चर है उसमें रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे। आज की बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।